Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. Kabhi wo yahan se hamara mandate chinte hain, kabhi wahan se mandate chinte hain. Abhi nayi baat ek miyan sahab ne ki hai ki main sab baat raaz faash kar dunga. Main to chahta hoon ki aap sab raaz faash kar dein, magar ye pehle bataye ki aap khud kaise bane. ये आपको हैवी मैंडेट्स जो हमेशा मिलते रहे हैं या दिलवाए गए हैं, ये दिए गए हैं, ये आपने कैसे लिए? तो बिल्कुल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बीवी साहिबा ने इस पे आपसे एग्रीमेंट भी किया था, आपकी भी सिग्नेचर है, उनकी भी है, और हम पे ये लाजिम है, हम सरेखम उन पे बात करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. मगर सवाल ये कि शुरू बात हो अपने गरेबान से. अपने गरेबान को पकड़िए. आप हम पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि हमने कभी किसी का सहारा लिया पावर में आने के लिए. हमें तो हमेशा जिसे कहते हैं समुद्रों की लहरों के खिलाफ तैरना पड़ा है और उसके बाद जाके हमें मंजिलें मिली हैं. और छोटी मंजिल मिलती है फिर उसको हम सियासी तौर पे बड़ा करते रहते हैं. हमारे पास ताकत आवाम की है, आपके पास ताकत अपने धन की है, दुनिया की है, पैसे की है. बहरहाल आपको वो ताकत धन की मुबारक हो, हमें अपने गरीबों का प्यार मुबारक हो. हमें हम इसमें खुश हैं, आप उसमें खुश हैं. तो बीबी साहिबा को भुट्टो साहब की ये बात याद थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम माई बख्तावर ही रखा है. तो ये धरती आपकी, मिरपुखास की, टेंडोलियार की, थर की धरती मेरे लिए कोई नई नहीं है. यहाँ से 40 साल से मैं यहाँ बैठा हुआ भी हूँ, जमींदारी भी करता हूँ. और उन दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं हारियों के साथ हूँ. मैं ना वडेरों के साथ हूँ, ना मैं किसी और के साथ हूँ. मैं अपने हारियों के साथ हूँ. मैं हर वो काम करूंगा जिसमें हारी का, मजदूर का और हमारे मेहनत का, शवाम का फायदा होगा. तो अगर कोई मिलों को कुछ नुकसान हो रहा है तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं उनसे भी. अगर तो उनने बात मानी तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हम भी उसमें डिफेंड करेंगे अपने हक को, भारियों के हक को, पार्टी के हक को, लोगों के हक को. और फिर देखते हैं कहाँ किस्सा चलता है. और वाकई अगर नहीं चला सकेंगे तो ये चाबियां दे दे हमें, हम खुद चलाएंगे. पहले भी तो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज की थी, पहले भी तो इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई हैं, पहले भी तो ये हुआ है कि. और वो नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब की एक अजमत का निशान था. ये तो बाद में ब्यूरोक्रेसी ने उसको खराब किया. ब्यूरोक्रेसी ने आके उसके कर्जे लिए और उसको खराब कर दिया. मगर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कोई पार्टनरशिप बन जाए. हम किसी गरीब का हक नहीं खाना चाहते, ना हम इंडस्ट्रीज का हक खाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो आए या मेहनत करें, इंडस्ट्रियां लगाएं. इससे कि एक एक इंडस्ट्री में भी 20,000 आदमी काम करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो मैं उन 20,000 आदमियों को भी नहीं बेरोजगार करना चाहता. मैं ज़्यादा बातें मेरी आपसे कल करूंगा. आज आपके आने का शुक्रिया, जुल्फ़िकार शाह का शुक्रिया कि उन्होंने हमें हमारे मेज़बान रहे. अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह.
मेहरबानी, इंशाल्लाह यहाँ से कोई ना कोई जियाला ही खड़ा होगा। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए नरेंद्र भुट्टो, जिए असद प्रेसिडेंट आसिफ अली।